iQOO Neo 7 Pro को हमने फुल डिटेल में टेस्ट किया है, काफी दिन से इस्तेमाल किया है, हमने सोचा गाई नहीं करते, आराम से आपको उसके बारे में बताएंगे, काफी सारी चीजें आज आपसे शेयर करेंगे। और अगर अभी भी आपने इस फोन को परचेस नहीं किया है या करने का इरादा कर रहे हैं तो ये वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके सॉफ्टवेयर से। देखिए ये तो हमने पहले भी आपको बताया था, कंपैरिजन में भी बताया था कि इनमें आपको काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स मिलते हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स दिए गए, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ये वो, इनके खुद के ब्राउज़र के नोटिफिकेशन आते हैं। इनफैक्ट ये जो यैंडेक्स सर्च है जो है नोटिफिकेशन, ये भी आता है। इतना ही नहीं, लॉक स्क्रीन के ऊपर पोस्टर भी आता है। ये सारी चीज़ें हमने नोटिस किया था, बट आप इन सभी को बंद कर सकते हैं, कहीं से भी ये फोर्स नहीं करता है इनको यूज़ करने के लिए। चलो एक चीज़ अच्छी है, और जब भी आप इस फ़ोन को सेटअप करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप कोई चीज ऐसी वहां पर टैप ना कर दे ताकि ये सारी चीजें आपको दिखाई दे। वहां पर हमने कुछ चीजें किया था इसलिए भी ये चीजें यहां पर शो कर रही है, बट आप इनको बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी जो इनके खुद के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है, iQOO वाले, iQOO क्लाउड है, और भी एक और चीज इनका कुछ ब्राउजर वगैरह थी, ये बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है, आप इनको बंद नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि इनमें जाकर आपको इनकी नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। ये चीज अगर पहले से ना हो तो अच्छा हो। तो ये सारी चीजें करेंगे तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। उसके अलावा जहां पर कोई मेजर बग्स हमने नहीं देखा, बट यहां पर सॉफ्टवेयर में ना थोड़ा बहुत लैग जिटर रहता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। वो हमने बहुत सारे दूसरे फोन्स में भी देखा है, चाहे वो मिड रेंज हो, अपर मिड रेंज हो या फ्लैगशिप हो। लेकिन इनमें एक्सपीरियंस को और स्मूथ करने के लिए मैं आपको उसमें बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको नॉर्मली इसमें 120 हर्ट्ज पर ही स्विच रखना है, और उसी के साथ उसके नीचे जैसे आप 120 पर सेट करते हैं तो आपको एक अलग से ऑप्शन देता है, इस पर आप टैप करेंगे। पर्टिकुलर ऐप में आप उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो 120 पर चले। जैसे कि अगर नॉर्मली अगर आप 120 करते हैं और यूट्यूब पर जाते हैं तो वो 60 दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद यहां से जाके तो आप देखोगे कि यूट्यूब अब जो है वो 120 पर यहां पर काम करता है। और याद रहे दोस्तों, ये सब ऐप में ज्यादातर आप फोर्स कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। और अगर आप आइडल रखते हैं, स्क्रीन को टच नहीं करते, तो ये 60 पर जाएगा, लेकिन जैसे टच करने जाएंगे ये 120 पर स्विच करता है। तो एक अच्छी चीज है कि समवॉट ये बैटरी कहीं ना कहीं सेफ करता है। उसके अलावा यूजर इंटरफेस में ज्यादा हमें कोई बग्स वगैरह मेजर देखने को नहीं मिला। एक नया अपडेट भी आया था, कुछ थोड़े बहुत फिक्सेस उन्होंने किए थे, अच्छी बात है कि वो अपडेट्स दे रहे, उसके बाद ही हमने यहां पर ये रिव्यू बनाया है। और 2 साल के आपको ईयरली उस अपडेट्स और 3 साल सिक्योरिटी पैचेस, ये हमने पहले भी बोला था कि अपडेट्स एटलीस्ट 3 साल मिनिमम बोल रहा हूँ, उसके ऊपर भी हो तो और अच्छा है, पर यहाँ पर 2 साल है, 3 साल जहाँ पर होते तो ज़्यादा अच्छा होता था। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हमने इसमें कुछ एक्सट्रीम टेस्ट किए जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन सीपीयू थ्रॉटल उठाते हैं तो पहले इसमें 82% स्कोर था, 42 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था, विच वॉज गुड। अभी अपडेट के बाद यहाँ पर जो है वो 74% और 44 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ, तो ये लगता है कि अपडेट्स के कारण हुआ रहेगा। इसको आगे ब्रांड वैसे ही फिक्स्ड कर सकती है। जहां पर अगर हम गेमिंग की बात करते हैं, अब ये पूरा गेमिंग स्मार्टफोन है, इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप दी गई है, फ्रेम रेट्स इंटरपोलेशन मिलता है, और 4D वाइब्रेशन, न जाने बहुत सारे फीचर्स दिया है। इन्हीं को ध्यान में रखकर हमने इसमें जेंशन इंपैक्ट डाला। और पहले अगर मैं डाउनलोड के टाइम बात करता हूँ उसकी हीट की, तो ये अराउंड 39 और मैक्स 41 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा हीट नहीं था। वन प्लस तो रो रहा था 44-46 तक चला गया था, हालांकि नथिंग भी अच्छा था, बट ये भी ज़्यादा उस मामले में हीट नहीं हुआ था। और गेम डाउनलोड करने के बाद जब हमने शुरू किया तो आप गौर करना ऊपर फ्रेम रेट्स पर, 15 मिनट हमने खेला पहले शुरू में, 40 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था, फिर आधा घंटा हुआ तो उसकी हीट थोड़ी नीचे हो गई, फ्रेम रेट्स वैसे ही था, फिर हमने 1 घंटे तक खेला, फ्रेम रेट्स देखेंगे कांस्टेंट 60 FPS है, और वहां पर मैक्स भी जो हीट था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। सोचो दोस्तों, 1 घंटा जेंशन इंपैक्ट कंटिन्यूस पे खेलने के बाद भी फ्रेम रेट्स बहुत ही कांस्टेंट थे और ज्यादा हीट भी नहीं हुआ। समवॉट ये चीज मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा करिए ऑप्टिमाइज किया, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म गेम खेलने तक ये फोन हीट होता है। BGMI वगैरह तो छोटा मोटा है, जेंशन इंपैक्ट जैसे गेम्स टेस्ट करने के बाद ये रिजल्ट्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इतना ही नहीं, इसमें फ्रेम रेट्स इंटरपोलेशन दिया है, हमने वो ऑन किया तो जेंशन इंपैक्ट 60 से सीधा 90 पर जंप कर दिया, ये एक आपको और अच्छा फायदा मिल जाता है। वो सेम आप COD में कर सकते हैं, BGMI का तो मुझे लगता है कि अभी शायद उन्होंने हटा दिया, लेकिन anyways इस तरीके से भी आप एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ एंड्रो बेंच की भी बात करें तो हमने यहां पर पहले भी टेस्ट किया था, अपडेट के बाद भी किया, तो अच्छा लगा कि यहां पर रीड राइट की स्पीड में कोई घटाई नहीं है, सब कुछ प्रॉपर चलता है, और ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग स्मूथनेस एकदम बढ़िया है। LPDDR5 UFS 3.1 मल्टीटास्किंग भी किया, डे टू डे लाइफ में हमने जितना भी यूज किया यहां पर, ये फोन बिल्कुल भी हैंग लैग यहां पर नहीं करता है। डिस्प्ले दोस्तों ह्यूज है, 6.78 इंच की, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, फुल
HD Plus, AMOLED डिस्प्ले 120 Hz की हाई रिफ्रेश रेट, चिन भी आपको कम है, पंचोल भी छोटा है। हाँ, OnePlus के मुकाबले थोड़ा चिन ज़्यादा लगेगी, बट ये भी बहुत कम है क्योंकि OnePlus तो बहुत ही ज़्यादा कम था। वैसे इसमें स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, स्कॉच इंजीनियर की प्रोडक्शन दिया है, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस। हमने आउटडोर में चेक किया क्योंकि रिव्यू में यही होता ना, इंडोर में तो बहुत हो गया, आउटडोर में लेके जाकर हमने इसमें नॉर्मल डिस्प्ले यूज़ किया, हमने वीडियोज़ डाल के देखा, हमने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर भी जोर डाला था। आउटडोर में कि भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम देख लेते, तो वहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी थी, कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं थी, तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ यूट्यूब पर हमने चेक किया तो HDR सपोर्ट करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ में नेटफ्लिक्स जब हमने कंपेरिजन किया था OnePlus के साथ, तब HDR नहीं आया था, हो सकता है अब जो अपडेट आया है उससे उन्होंने HDR नेटफ्लिक्स पर भी डाल दिया, वेरी गुड। और Amazon पर भी आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, विच इज़ गुड, वाइडमैन 11 वगैरह दिया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो भी एक्सपीरियंस आपका इस डिस्प्ले में रहेगा वो बहुत अच्छा है। अब बैटरी के लिए भी हमने इसमें कुछ एक्सट्रीम टेस्ट किए हैं, जो कि बनता ही है, रिव्यू में यही होता है। और जहां पर हमने इसको दोपहर के 12 बजे 100% चार्ज किया, फुल ब्राइटनेस पर छोड़ा, 120 हर्ट्ज़ को भी साथ में एक्टिवेट कर दिया। अब यहां पर दोस्तों हमने इसमें यूट्यूब की वीडियोस देखी, गेम्स के लिए नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा कर दिया, जहां पर शाम के 7 बजे के आसपास ये 41% पर आया था। और रात के 12 बजे मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे तक हमने इसको यूज़ किया, वीडियोज़ देखा, गेम खेला, ये करा वो करा, आई वॉज हैप्पी। 15% यहाँ पर हुआ है, मैं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नथिंग वाला 2% पर गिर गया था, मानते हैं कि वो हमने 86 पर रखा था, लेकिन स्टिल यही मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15-20% होना चाहिए एक बैटरी कैपेसिटी को, जितना अगर हम उसको फुल डे कंटिन्यूस यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये फ़ोन आराम से एक दिन का आपको बैकअप दे देता है, आप सुबह से लेकर रात तक इसको यूज़ करिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कंटिन्यूस कर रहे थे, आप कंटिन्यूस नहीं करेंगे, कभी काम में रहते, कभी कुछ करते, फिर यूज़ करते, तो डेफिनेटली एक दिन का बैकअप आपको मिल ही जाएगा। 120 वोल्ट चार्जर जो बॉक्स में मिलता है, अगर उससे चार्जिंग की बात करें तो याद रहे पहले तो आपको सेटिंग्स में जाना है, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन ऑन रखना, ये आई थिंक मे बी बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, इसको ऑन करना है तो ही आप इसको आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकेंगे, अगर आप उसको ऑफ रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले सकता है। याद रहे जब इसको ऑन करते तो वहां पर ही पहले से लिखा है कि थोड़ा सा फोन हीट होगा नॉर्मल यूज से, तो ये चीज आपको समझना है। कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, सैमसंग G N5 आपको सेंसर मिलता है, इसमें आपको उन्होंने 4K 60 FPS का सपोर्ट दिया है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल आपको मैक्रो। वैसे इसमें आपको कोई टेलीफोटो सेंसर नहीं है, OnePlus में भी नहीं दिया था, नथिंग में भी नहीं दिया था, ये ज़्यादातर सैमसंग करता है, बट एनीवेज ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। उसी के साथ सेल्फी दोस्तों आपको इसमें 16 मेगापिक्सल की, यहाँ पर मैक्स फुल HD 30 FPS, यहाँ पर भी 4K का सपोर्ट नहीं है, ये हमने अनबॉक्सिंग में और कंपेरिजन में भी बोला था कि होना चाहिए था। आगे कैमरे में सुपर मून है, 20x आपको फोटो में जूम मिलता है, आपको पोर्ट्रेट में जूम मिलता है वगैरह के फीचर्स, पोर्ट्रेट वीडियो दिया है, स्लो मोशन वीडियोस है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा चीज़ें दी है जो आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जब फोटोज़ की मैं बात करूँ तो फोटोज़ अच्छे, अपडेट के बाद भी मैं देखूँ तो अच्छे है। मैंने इनफैक्ट OnePlus Note 3 से कंपेयर किया था, OnePlus का सेंसर अच्छा था इससे, स्टिल इसके फोटोज़ मुझे थोड़े ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगे थे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, थोड़ा सा स्किन टोन को बूस्ट भी करता है, कलर्स को भी मुझे लगता है बूस्ट करता है, देखने में शार्पनेस वगैरह अच्छी थी। तो ये अपडेट के बाद के भी फोटोज़ अगर आप देखोगे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, सेम ही था, तो पहले और अभी भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। सेल्फी भी देखेंगे तो सेल्फी भी अच्छी है। हाँ, पोर्ट्रेट वीडियोज़ अगर की बात करते हैं रियर में तो थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ की ज़रूरत है, और सेल्फी वीडियो देखते तो अच्छा है, रियर वीडियो भी नॉर्मल देखते तो अच्छा है, जहाँ पर कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं थी। नाइट में जैसे कि मैं आपसे कहूँ, नाइट में मैंने पहले भी कहा था कि इंप्रूवमेंट्स की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि OnePlus का नाइट इससे थोड़ा अच्छा था, Note 3 का, जो हमने सेल्फी वीडियो दोनों में बोला था वो यहाँ पर हमने भी देखा है। तो इसमें अगर इंप्रूवमेंट्स की अगर मैं कैमरे की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो सिर्फ नाइट में उनको थोड़े और बूस्ट करना चाहिए फोटोज़ वीडियोज़ को, और साथ ही साथ इसके अंदर जो पोर्ट्रेट वीडियोज़ निकलते डे में उसको थोड़ा और इनको इम्प्रूव करना चाहिए। नेटवर्क की बात करते हैं तो इसमें डुअल सिम 5G का आपको सपोर्ट मिलता है, दोनों में हमने 5G सिम कार्ड लगा कर देखा, दोनों में प्रॉपर पकड़ता है, डेटा वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5G ड्रॉप इश्यूज भी ज़्यादा नहीं थे, कॉलिंग में कोई इश्यूज नहीं थे। अगर आप ऐसे कोई एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर अगर 5G सपोर्ट नहीं होता है तो वहाँ 4G पर चला जाएगा, लेकिन हम जहाँ पर है जितने बार भी एक बार भी 5G से 4G नहीं आया, हो सकता है नथिंग में हमने या आई थिंक OnePlus में हमने ये इशू देखा था कि 5G से 4G पर आ जाता था घड़ी घड़ी, फिर 4G से 5G पर चला जाता था, वो उनमें एक इशू हो सकता है, लेकिन इसमें वैसे हमने नहीं देखा। इसमें लेकिन आपको NFC देखने को नहीं मिलता है और आपको उसमें सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स का जो वो सपोर्ट मिलता है, और 5G के लिए मल्टीपल 5G बैंड्स भी आपको दिए गए हैं। आप डिज़ाइन और बिल्ड को भी छेड़ लेते हैं दोस्तों, जहाँ पर इसमें दिखने में फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लगता है, लेदर आपको यहाँ पर ग्रिप मिलता है, मुझे ग्लास और पॉलीकार्बोनेट से ज़्यादा अच्छा लेदर लगता है, क्योंकि एक तो दिखने में अच्छा लगता है और ग्रिप इनका बहुत अच्छा होता है, और साथ में ये दिखने में आईकू का फ़ोन ही लगेगा, क्योंकि एक मोनोपोली ब्रांड ने ये वाली ब्रांड ने भी बना दी, जैसे कि सैमसंग कर रहा है आजकल, नथिंग वाले वही कर, आईफोन करता है ना, इन्होंने भी ये रखा है कि डिज़ाइन लेआउट वैसे ही देंगे बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि लोगों के हाथ में रहे तो पता चले हाँ ये आईकू का ही फ़ोन है,
इस तरीके से आज सारी ब्रांड्स कर रही है, जहां पर इसमें आपको फ्रेम्स, पॉलीकार्बोनेट है, IP52 रेटिंग्स वगैरह दिया गया है, आपको उसमें टाइप सी पोर्ट है लेकिन आपको उसमें 3.5mm जैक नहीं मिलता है, डुअल स्पीकर से, क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है और साथ में आपको उसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बहुत अच्छा है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, उसमें कोई बग हमने नहीं देखा, बट हैप्टिक्स कुड हैव बीन बेटर। जैसे कि वनप्लस वालों में अगर आप वॉल्यूम बटन भी ऊपर नीचे करते हैं तो बहुत हैप्टिक्स देता है, इसमें सब जगह पर नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर आपको हैप्टिक्स मिल जाएगा, तो वो मुझे लगता है कि और इंप्रूव करनी चाहिए। ऐसे ऊपर आपको आयर ब्लास्टर भी दिया गया है, ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर डिजाइन के मामले में इन हैंड फील भी आपको काफी अच्छा मिलता है। अब जो भी था इस फोन के बारे में हमने आपको डिटेल में टेस्ट करके बता दिया, हो सकता है आपकी अब जो रिमेनिंग डाउट्स होगी वो शायद क्लियर हो गई होगी, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं इसको लेना है या ना लेना है, वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर आपको बता दो, अब प्राइस जो पहले उन्होंने 18 जुलाई से पहले 1000 ऑफ रखने की बात करी थी, अब वो नहीं होगा। अब नॉर्मली ये फोन 35,000 से स्टार्ट होता है, 8120, इस पर आपको अब 2000 बैंक ऑफर्स लगेंगे, हमने अमेजोन पर चेक किया था तो ये 33 तक चला जाता है। मैं आपसे ये भी रेकमेंड करूंगा, कभी कभी सेल भी आते जाते रहते हैं, क्या पता ये फोन आपको और भी कम प्राइस पर मिल जाए, तो वैसे भी इस प्राइस पर तो अच्छा ही है क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी, हमने आपको जो टेस्ट करा वो सब बता दिया। ओवरऑल मुझे लगता है कि काफी अच्छा पैकेज है, बस अपडेट्स थोड़े ज्यादा होते तो और भी मजा आता था। बाकी अगर आपको और भी कुछ इसके ऊपर वीडियोस देखने लॉन्ग टर्म 2-3 महीने के बाद तो बताना, हम वो भी ट्राई करेंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।